अनिल विश्वकर्मा जो अभी आए हुए और अरुणा देवी माँ मेरी बैठी हुई है। और मैंने 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट भी ज्वाइन किया था, गोवा में था। और अभी मैं 5 भाई बहन हूँ, सबसे छोटा भाई मेरा पोस्टेड है भागलपुर में। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ और HR एकेडमी के नाम से पुलिस लाइन जैसी मलिक रोड में सिविल सर्विस दारोगा SSC कोई मास्टर डिग्री अगर नेट JRF की तैयारी करते हैं तो जुड़ सकते हैं, और कोई BEd किए हुए हैं तो CTET और JTET ये सब की तैयारी कर सकते हैं। और हमारा जो CSMT मेथड होता है वो बहुत लोगों को सहयोग करता है कि क्लास के दौरान ही ड्यूरिंग द क्लासरूम आप उसको कैसे याद करने का काम करते हैं। और अभी अन अकेडमी में भी मैं क्लास ले रहा हूँ, स्पेशली उसमें JPSC का लेता हूँ, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का क्लास को लेते हुए मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, जिसमें हमारा सहयोग मेरा छोटा भाई करता था, वो सहयोग करते करते ज्वाइन कर लिया जो भागलपुर में है, छोटी बहन भी करती है, और शायद आप लोगों के आशीर्वाद से जल्द ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। और मेरी वाइफ जो है सुरभि, वो भी अच्छी GS टीचर है, और कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते कि हमारे विश्वकर्मा परिवार के लोग सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जरूर से जरूर जुड़े। हम लोग को जहाँ तक होगा हम सहयोग करने का काम करेंगे। और ये क्योंकि आप देख सकते हैं विजय विश्वकर्मा सर जी, अभिषेक जी, और कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं ताकि अपने समाज को किस तरीके से अपर लेवल तक ले जाने का काम किया जाए। और अभी तो मेरे क्लास थे, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, समाज में आगे बढ़ना है, कुछ करना है इसके लिए। तो मैं 4-6 महीना गोवा में रहा और पिताजी ने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करो कि समाज के लिए अच्छा हो और अपना एरिया में भी रहकर बहुत सारा कुछ किया जा सकता है। तो मैंने रिजाइन दिया और 2014 से फिर रनिंग भाई ज्वाइन किया और मैं अपने संस्था को आगे बढ़ाने का काम करने लगा। तो हमारा ऑफिस है जेसी मलिक में और मेरा रेजिडेंस है सेंट्रल हॉस्पिटल नोटंडी प्राइमरी स्कूल के बगल में। ऐसे हम लोग रहने वाले हैं, सुल्तानगंज बांका जिला से रहने वाले हैं। तो इस तरह से अपने माँ पिताजी के मोटिवेट से और आप लोगों से भी मोटिवेट होते हैं और हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने छोटे भाई के लिए, छोटे बहन के लिए, जो भी अपने समाज में है। और जैसा कि अभिषेक जी भी बहुत अच्छे अच्छे वर्क कर रहे हैं और बस और क्या कहूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोग से चाहूँगा। धन्यवाद। आपके बीच में हमारे चाचा जी